सांसद कूच की कोशिश कर रहे हैं, वहीं पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए हैं वहां पर। हमारे संवाददाता विमल कौशिक की ये रिपोर्ट देखिए। अकाली दल के कार्यकर्ता और कुछ किसान नेता पंजाब के, वो यहां पर प्रदर्शन करते हुए, मार्च करते हुए ये बैरिकेडिंग तक पहुंच गए हैं और यहां से लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि सभी जो तमाम प्रदर्शनकारी हैं, ये देखिए पुलिस लगातार अनाउंसमेंट कर रही है कि इस बैरिकेड से दूर रहें और यहां पर यहां से आगे बढ़ने की परमिशन नहीं है, बिल्कुल बैरिकेड के पास ना पहुँचे। और दोनों ही तरफ बैरिकेड के दोनों ही तरफ सुरक्षाकर्मी बड़ी संख्या में हैं, उसमें दिल्ली पुलिस के जवानों के अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेज के भी जवान हैं, और लेकिन प्रदर्शनकारी भी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हैं। फिलहाल वो बैरिकेड के पास रुके हैं और अभी लगातार जो पुलिस अधिकारी हैं उनके संपर्क में बने हुए हैं, उनसे पहले ही ये बात कर ली गई थी कि वो इस पॉइंट तक ही आगे आए, इससे आगे नहीं जाएंगे। और उसी को देखते हुए यहाँ पर पुलिस ने व्यापक इंतजाम किए हुए हैं, वाटर कैनन की व्यवस्था है, वज्र वाहन यहाँ पर खड़े हुए हैं और इसके अलावा भारी सुरक्षा बंदोबस्त हैं। देखिए लगातार पुलिस लाउडस्पीकर से भी अनाउंस कर रही है कि ये आगे ना बढ़े। और लेकिन प्रदर्शनकारियों को एक बार मैं संख्या दिखाना चाहूँगा, देखिए पीछे तक बिल्कुल जो रकाबगंज गुरुद्वारे वाला जो गोल चक्कर है वहाँ से लेकर ये जो पूरी रोड है रकाबगंज गुरुद्वारे की तरफ, जो रोड आगे बढ़ती है इम्तियाज़ खान मार्ग की तरफ, उस पूरी रोड पर ये बैरिकेडिंग है और इस बैरिकेडिंग पर लगातार पुलिस अनाउंसमेंट कर रही है, यहाँ से लगातार लोगों से बात कर रही है जो प्रदर्शनकारी, उनको साफ तौर पर मैसेज दिया जा रहा है कि वो इससे आगे ना बढ़े क्योंकि यहाँ पर उनके प्रोटेस्ट को इजाजत नहीं दी गई है। और इसी को देखते हुए यहाँ पर कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। नितिन के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली।